पुलिस प्रशासन ने शराब की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 21 पेटी अवैध शराब और एक बाइक जब्त की है। साथ ही पुलिस ने इस कारोबार में लिप्त 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एसडीओपी आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मैजिक वाहन से अवैध शराब लाई जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 3 आरोपी मुजीब, अक्षर कोर और अंकुश चौकसे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी गौरव दुबे भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने जिस मैजिक वाहन से शराब लाई जा रही थी उसे भी गिरफ्त में ले लिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लगातार जो हमारी हिंगोली पुलिस है उसके द्वारा अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है, उसी के तारतम्य में कल रात में भी कुछ आरोपी हैं जो कि जबलपुर से देवरा रोड तरफ शराब ला रहे थे बिक्री करने के लिए अवैध रूप से रखे, तो इसको हमारी हिंगोली पुलिस ने पकड़ा है। इसमें एक वाहन जो कि मैजिक है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है और 21 पेटी है जो शराब वो जब्त हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1,18,000 रुपये है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।